ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंदिस्यत। जान प्रसंगस्मन् यथमजन भगवान च अर्जुनस अज दैवी संपत्ति हिंति आसुरी संपत्ति वालन पुरुषन हिंद लक्षण वनन तस्मन च अशास शुरहे में अजाय हिंदिस पंचमें श्लोक में प्रवेश कर सूर्य श्लोक में भगवान पार्थस के हे पार्थ दंभ घमंड अभिमान तो क्रोध कठोरता अज्ञान यम च आसुरी संपदाय प्राप्त गमित पुरुष लक्षण वंच पंचम श्लोक यथ में दैवी संपदाय हिंद यम पुरुष आसन तिहुंद फल क्या छु तो आसुरी संपदाय हिंद पुरुष यम छ तिमन हुंद फल क्या छु ये छ पंचमिस में तो बोझुन लायक छु पंचम श्लोक करो उच्चारण। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता माशुचः संपदं दैवी अभिजातः शिपांडवो उतिं शुलू कर बेउचार। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता माशुचा संपदं दैवी अभिजातः शिपांडव। पंचमी श्लोक अर्थ छु दैवी संपत्ति छ मुक्ति खतर तो आसुरी संपत्ति छ बंधन खतर। इसलिए हे पांडव हे अर्जुन सुचुक दैवी संपत्ति प्राप्त गुमत इसलिए छिन च शोक करन चिंता करन पजी न छ। इच अर्थन गोडनित भगवान छु दैवी तो आसुरी दोन प्रकार कें संपत्तियन हुन फल यथ मज वन गोडनित छु दैवी संपत्ति विमोक्षाय गो दैवी संपदा छे मुक्ति खतर आमत वनन अमुक क्या माने छु अमसि छु भगवान यह हावन भाव गोरी श्लोक पेठे त्रेम श्लोक स्थान सात्विक गुण आचरणन हुंद समुदाय रूप यथ दैवी संपदाय हुंद वर्णन कोर भगवान सुछु मनुष्य संसार बंधनिश सदा खतर सर्वथा मुक्त करन तो सच्चिदानंद परमेश्वर सहित मिलना यह वेद ते शास्त्र ते महात्मा ते सारी मान साधकस यूता ये भाव दृढ़ गच्छे कि मैं छु भगवत प्राप्ति करे मैं छु भगवान कुन पकुन त्यूता छु सु भगवान सम्मुख गच्छे और यूता यूता भगवान सु सम्मुख गच्छे त्यूता त्यूता गच्छे संसारस निश विमुख और संसारस निश विमुख गसन सीति छ आसुरी संपत्ति हिंद दुर्गुण दुराचार यम छ तिम छ कम गसन
तो दैवी संपत्ति हिंद यीत्या सदगुण तो सदाचार तम प्रकट ग मनुष्य अम सादकस भगवान भगवान सदिस नावस मूपस मीलाय मुण चरित्र भजन गवन मरनस मुचि ग दिलचस्पी ग यथ मज ज्यादा पहम ध्यान दिन कत ये चीज कि साधक तमिस यूता उद्देश्य दृढ़ मजबूत कि परमात्मा प्राप्ति हूँ तूत भगवान संबंध तमिस ज्यादा ग प्रकृति संबंध छन वास्तव में प्रकृति संबंध सिर्फ मौनमुत जीवन संबंध दैवी संपत्ति भगवान वनन दैवी संपत्ति विमोक्षाय यह सच मुक्ति खतर खे दैवी संपत्ति केवल पन्न खतर न प्रत्युत मात्र प्राणियन कल्याण खतर इत गस मा जूठ आर सरस पकन परिवार चलान इथे कहीं संसार उधार कर खतर भगवान संसार पकन मनुष्य तकन भगवान मनुष्य अधिकार दुत मनुष्य अधिकार अनुसार यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग यूत साधन समुदाय तथ मज पन पान लगा ये संकल्प कर प्रार्थना करें कि हे नाथ हे प्रभु सारे जीवन हुंद गोष कल्याण गसुन ये उद्देश्य गस थव इंसान अगर पन पूजा नित नियम तह चीज तत ग थन योत कि मे गोष कल्याण गसुन मात्र सरस संसार सारे जीवन गोष कल्याण सारी जीव ग जीवन मुक्त ग हे नाथ सारी जीव ग चान प्रेमी बन मगर यह केवल भगवान तुज कृपा सो सिर्फ प्रार्थना करन प्रार्थना स्वीकार कर तुज और इत कर संसार पनन भगवान सुन स्वतः संबंध संसार सन भगवान सो भगवान दैवी संपत्ति विमोक्षाय दैवी संपत्ति मुक्ति खत क्या दैवी संपत्ति मन से दैवी गुण यवन गवन भगवान सुंद लक्ष्य यवन थवन तो सुच मुक्ति दिवन सरस पत वन निबंधाय असुरी मता निबंध आसुरी संपदा बंदन खतर आम वन अम कथन भगवान ये बा वन कि दुर्गुण तो दुराचार रूप इस रजोगुण मिश्र तमोगुण प्रधान बावन हुन समुदाय जुंड यथ मज रजोगुण तो तमोगुण तो ज्यादा सह आसुरी संपदा सुपोर है सूरमिस श्लोकस मज सुचु मनुष्य हर प्रकार संसार फसावन तो अधोगति मज
वेद शास्त्र तो महात्मा अत कह पूर जान जन्म मरण दिन वाजन बराबर थवन वाजन सह गई आखिरी सम्पता यस न मकलाए यस युन तो गसुन थवि चालू सच आसुरी संपत आसुरी गई राक्षसी संपत्ति खराब संपत्ति बुद्धि आचरण विपरीत गसुन योताय मनुष्यस अहमता पानन बुछस तमिक परिवर्तन गच्छन तोताय सु जान जान गुण धारण करनस पेटते निरर्थक रोज मुक्ति गच्छन तोताय तमस तात्परी कि योताय यह कि बुछस तो मोन शरीर यह मनस म अमे प्रकार विचार रोजन तोतान दैवी संपत्ति हिंद गुण मुक्तदायक तम बन तम हकन तमिस जान जान लूकन मज मगर बे वापस यून संसार मुक्ति हकन न यथ कन बेल फूल अख मे त्रावन यह खसन अत जल दिवन पून अत हवहुक जरूरत पेवन अत प्रकाश तापुक जरूरत पेवन श्री भगवान सूज प्रकाश तम सी बीज यह बेल फूल पुष्ट ग और अमी बीज अमी बेल फल बोड़ वृक्ष पैद ग और तमी वृक्ष तमी जाति हिंद यम जाति हिंद यह कुल अगर नेम कुल नेमक फल नेरस चूंठ कुल चूंठक फल नेरस डून कुल डूनक फल नेरस इथे कन अहमता अत म संस्कार रूपी बीज शुभ कर्म कर इंसान सु शुभ कर्म तम बीजन तम तथ बेलिस पुष्ट कर पुष्ट कर और तमी बेल अनुसार सू फल तवन युत सू बोल आम चीज सू बोल आम हिसाब सू फल तवन गो युत कर्म करो शुभ ऐसा अशुभ ऐसा सू बोल सू तमक कर्म सू फल तवन तात्पर्य यह कि सकाम मनुष्य कामनाए सहित कर कर्म कर अहमता तमिस मानस मोजन मानस तथ भीतर संसार संस्कार पेवन तमी संस्कार के मुताबिक तम सकाम साधना मज अमा गरिमा सिदी इस तमिस तथ मज विशेषता यी सह कि तमिस जान जान लूकन तम वातन लूकन मज जन्म दिथ मगर मुक्ति हेकन ग सवाल यह प्रश्न कि मुक्ति खातर क्या कर इंसान अगर आसुरी सम्पता तंधन खातर मुक्ति खातर क्या तथ जवाब ये अगर ये बीज बोल अगर यह ताव पे तवहन या यह ग्रकनावन पत अगर यह बीज बोल जमीन मज त्रो
अंकुर नेरिनाथ की थी। अथ नेरिना अंकुर क्या जी यथ पृथ्वी मज त्राओ जमीन मज समीन मिलाव पानस सतह चल नीति यह बोल गो कूत पत् यह तथ मिलिया मेट जमीन यह मनुष्य सुंद हाल मनुष्य यम सात दृढ़ निश्चय यह गि कि मे केवल परमात्मा प्राप्ति कर तम सात संसारिक सारी बीज संस्कार यम जन बोल अहमता मजम नष्ट ग सारी यम खत्म ग सारी मेच मेलन इत बोल तथे कन तथ म शरीर प्राणन मज प्रकार आसक्ति कि बह सान जिंद रूज मे ग मान बड़ाई मेल भोग ग मेल ये अम तरीक कह व्यक्ति पकान तमिस जान गुण ये पे आसक्ति कारण तमिस मुक्ति तमिस ग ऊंच नीच योनियन मन जन्म हेन पत् सू प्रकृति हिंदिस बंधनस मजे अमिक मतलब कि यम जन प्रकृति सन संबंध जूड़ सू शुभ कर्म कर सू ब्रह्म लूक तान तक सू ग मगर बंधन बी वापस जन्म बी भगवान वन यध्याय मज आसुरी संपदा हिंद त्रे फल यलूक मज निबंधाय आसुरी मता और हितनस जि चीज गो दैवी संपत्ति विमोक्षा दैवी संपत्ति वल मुक्ति गबंध आय आसुरी आसुरी वल बंधनस मन ये चीज कि कृष्ण मार्ग सकाम पुरुष गसन कृष्ण मार्ग की तमी मार्ग योग भ्रष्ट पुरुष तसान दोनवि मार्ग अकुई आसन दोनवि पुनर्वर्ता दुबार इवन जन्मस सकाम पुरुष निबंधाय मता इन बंधनस मन बंधनस म यमो जान कर्म करम ठीक जन्मस मज पन जन्म आमुत तम अंत समय मज कारण योग भ्रष्ट तम ग मगर तम सहंदिस जन्मस मज साधनाय मज तोत कल्याण रोजान इसलिए यथ मज पत भगवान वनान ये मा शुच संपदम दैवीम अभिजात पांडव इसलिए मा शुच अर्जुन शिवन भगवान की दैवी संपदि तुक दैवी संपत्ति सत उत्पन्न गुमत शोक कर चान खतर ठीक कम सगवान अर्जुनस आश्वासन दिवन कि तु स्वभाव कि दैवी संपदाई कि जन्मस आमुत
दैवी संपदाय हिंद सारी लक्षण चमज मौजूद और दैवी संपदाय संसार नश मुक्त कर वाजिन चोन कल्याण गस्मस मन कुन प्रकार संदेह कहन निश्चित कल्याण इसलिए ते शोक कर कहन तरूरत सह रोज स्वतंत्र सह रोज निश्चिंत यह बड़ कथ इस भगवान वन रोज निश्चिंत सह रोज स्वतंत्र तथ स्वतंत्र रोजन तथ निश्चिंत रोजन ते गि तमे सल्याण माशुच केवल अविनाशी परमात्मास यथन वेल दैवी संपत्ति आसन ये मुक्ति प्रावन और विनाशकारी संसारिक भोग संग्रह यथन वेल आसुरी संपत्ति वेल आसन ये बंधनस मन हम ये कथ बोजन अर्जुन तम सिंदिस मनस मन शंखा क्या ये शंखा मा गस तमिस पद कि मे पानस मन दैवी संपत्ति छीन या मे अत भगवान वन चुक दैवी संपदाय प्राप्त गुमत सम कर शोक कहें कहन शोक कर गुंजाइश चोन कल्याण निश्चित अख भगवान अकिस वक्त वन चोन कल्याण निश्चित ते मुक्ति अम खत क्या गुस माशुच मस कर कहन अर्जुन पानस मन बासन कि मे दैवी संपत्ति इसलिए भगवान अर्जुन वनान कि ते मन दैवी संपत्ति प्रकट गमत कारण कि ते चुक श्रेष्ठ सठा और पानस मन ते चम गोन बोजन तमि कि वनान कि न मे ये दैवी संपत्ति इसलिए तुम कर शोक कहें चोन कल्याण निश्चिंत यो भगवान यथ मृष्ण वंदे जगत गुरु।